छतरपुर में एक 4 साल की बच्ची मिट्टी धंसने से दब गई। बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं शव वाहन न मिलने पर बच्ची के मामा को बच्ची का शव बस में लेकर आना पड़ा। शव बस से लाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मामला बड़ा मलहरा विधानसभा के बाजना थाना के पाटन गांव का है, जहां एक 4 साल की मासूम बच्ची मिट्टी धंसने से दब गई। उसे घायल अवस्था में बिजावर के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर बच्ची को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बच्ची के परिजन कई घंटों तक शव वाहन का इंतजार करते रहे। जब उन्हें शव वाहन नहीं मिला तो बच्ची के मामा रामेश्वर अहिरवार ने भांजी के शव को गले से लगाया और शव को पैदल लेकर निकल पड़े। मजबूरन वे बच्ची के शव के साथ बस में बैठे और शव को घर लेकर पहुंचे। यह वीडियो स्वास्थ्य व्यवस्था की तो पोल खोल ही रहा है, साथ ही अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन के लिए यह शर्म की बात है। अगर इसी दौरान परिजन नाराज होते तो शायद अस्पताल प्रबंधन पुलिस बुलाने में देरी न करता, लेकिन शव को घर भिजवाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।